5 साल की मासूम के बलात्कार की घटना को अंजाम देने वाला एक आरोपी अब तक पुलिस की गिरफ्त से दूर है। उसकी गिरफ्तारी की मांग को लेकर जयस ने धरना प्रदर्शन किया। हरदा जिले के रहट गांव थाना क्षेत्र में 5 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म करने के मामले में दूसरा आरोपी अब भी फरार है। उसकी गिरफ्तारी की मांग को लेकर जयस ने रहट गांव में धरना प्रदर्शन करने के साथ शांतिपूर्ण बंद किया। जयस के जिला अध्यक्ष राकेश काकोड़िया ने बताया कि 5 साल की आदिवासी मासूम के साथ दो आरोपियों ने दुष्कर्म किया। ये बदमाश बच्ची को घर के बाहर खेलते हुए बहरा फुसला कर कहीं ले गए। खोजबीन के दौरान मासूम गांव के बाहर नाले के पास बेहोशी की हालत में मिली। इस मामले में एक आरोपी को तत्काल गिरफ्तार कर लिया गया, वहीं दूसरा आरोपी अब तक फरार है। उसकी गिरफ्तारी के लिए आईजी इरशाद वली ने 15,000 रुपये का इनाम घोषित किया है। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए कलेक्टर आशीष खरे को आवेदन दिया गया, जिस पर प्रशासन ने 5 दिन में आरोपी को गिरफ्तार करने की बात कही है। सबसे पहले परिचय देता हूँ, मैं राकेश ककोड़िया जयस जिला, और आज जो हमने रेडगांव बंद करने की जयस और भीमार्मी ओबीसी महासभा ने जो आह्वान किया था, उसमें कुछ समय पहले जो आदिवासी क्षेत्र की नाबालिग बच्ची जो 5 वर्ष की थी उसके साथ बलात्कार जैसे घटना हुआ था, जिनके अपराधियों को पुलिस प्रशासन ने आज तक गिरफ्तार नहीं किया, उसी के लेकर धरना प्रदर्शन आंदोलन था। तो हम लोगों ने मांग की और पुलिस प्रशासन से हमने 5 दिन का समय मांगा, और पुलिस प्रशासन ने भी हमको 5 दिन का समय दिया कि 5 दिन के अंदर हम अपराधी को गिरफ्तार करेंगे और जल्द से जल्द उसको फांसी की सजा देंगे। जी, मेरा नाम है सत्यनारायण सुचार और जय आदिवासी युवा शक्ति संगठन यानी जयस का जिला कार्यक्रम अध्यक्ष हूँ। और जैसा कि आप सभी को आज ज्ञात है कि आज हम जो 5 साल की जो मासूम बच्ची, आज से कुछ समय पहले उनका अपहरण करके बलात्कार जैसी घटना जारी थी, उसको संबंध में जो पुलिस का जो रेडगांव थाने का इनका ढोलमोल रवैया के कारण आज तक जो मुख्य अपराधी वो पकड़ा नहीं गया था, इस संबंध में हमने आज यहाँ पर शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन किया और हमने जिला प्रशासन और पुलिस थाना रेडगांव से मांग की है कि जल्द से जल्द आरोपी को पकड़ा जाए और पकड़ने के बाद फास्ट ट्रैक के माध्यम से उस आरोपी को फांसी की सजा सुनाई जाए। रेडगांव में घटना हुई है 8 तारीख को जी, नाबालिग के साथ बलात्कार की घटना, आरोपी की गिरफ्तारी के लिए ज्ञापन दिया गया। पुलिस लगातार तत्परता से जंगल में उसकी तलाश कर रही है और शीघ्र उसकी गिरफ्तारी के प्रयास कर रहे हैं और जल्दी उसे गिरफ्तार कर लिए। इनाम 15,000 का घोषित हो चुका है जी, और गाँव गाँव में उसके पोस्टर भी लगा रहे हैं और सब जगह सूचना भी दे रहे हैं जी, सभी लोग उसमें सहयोग कर रहे हैं और शीघ्र आरोपी को पकड़ा जाए। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।